तो जैसा कि आपके पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको शो करना है कि ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे प्रूफ किया जाए, मैथमेटिकल क्या कंडीशन दिखाई जाए कि हम कह सकें कि ये कोलिनियर है। तो हम लोग कहेंगे कि 3 पॉइंट से हमेशा ट्राइंगल बनता है, सिर्फ उस केस में जब वो तीनों एक ही लाइन पे लाई ना करते हों, है ना। अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उनसे ट्राइंगल बनेगा नहीं, लेकिन मैथमेटिकली हम रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कैसे कि ट्राइंगल बनेगा मगर एरिया जीरो होगी, मतलब भी तो वही है कि ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। तो हमने कह दिया कि चलिए इसका एरिया कंसीडर करेंगे, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 हो गया। अब क्या करोगे, आप वैल्यू डाल दो, x1 y1 1 पहले एज्यूम कर चुके हैं, तो दैट इज 1/2 टाइम्स a b + c और आपका 1 हो गया, b c + a 1 हो गया, c a + b और ये 1 हो गया। हमें क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करनी है और इसकी इसको 0 दिखाना है, तब हम जाके कह पाएंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, या यू कह लीजिए कि तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया क्या है, 0 है। तो देखिए क्या करते हैं, अच्छा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है तो उस चीज़ को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इस अबव जो डिटर्मिनेंट आपके पास दिख रही है, इस डिटर्मिनेंट की ये कॉलम हम 0 करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, जब तक हम एंट्री फिलअप कर रहे हैं तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, है ना, कि हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ताकि ये इस डिटर्मिनेंट तक पहुंच जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करें, C2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और C2 में C1 को ऐड करना चाहते हैं, है ना, उसके बाद C3 को सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन 1 तो सबट्रैक्ट करें तो 0 होगा नहीं, क्या करोगे आप, a + b + c से मल्टीप्लाई करके C3 में, ताकि सारी एंट्री a + b + c हो जाए, अब वो सबट्रैक्ट करोगे तो हर जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोई भी कॉलम या रो 0 होती है तो बाय प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की वो 0 हो जाता है, दैट इज 0 इम्प्लाइज ये जो पॉइंट ABC दिए गए हैं, a, b, c आर कोलिनियर, ठीक है, हेंस प्रूफ।